बिहार में नीतीश कुमार सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही उनके मंत्रियों के बारे में हो रहे रोज रोज नए खुलासे से महागठबंधन सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। नया खुलासा नए नवेले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर हुआ है। सिंह पर 2013 में चावल गबन करने का आरोप है। अभी ये मामला कोर्ट में लंबित है। हालांकि कृषि मंत्री इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। इस चावल घोटाले की पूरी कहानी बताने से पहले आपको बता दें कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और वो रामगढ़ सीट से राजद विधायक भी हैं। सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि लालू परिवार से जगदानंद सिंह की नजदीकियां हैं। इसी वजह से सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन पर राज्य सरकार से करार करने के बाद भी चावल नहीं लौटाने का आरोप है। दरअसल सुधाकर सिंह की राइस मिल ने राज्य सरकार से चावल को प्रोसेसिंग करने के लिए एक समझौता किया था। इसके बाद सरकार की तरफ से जो चावल आया उसको उन्होंने वापस ही नहीं लौटाया। सुधाकर पर आरोप लगा कि उन्होंने सरकार के भेजे गए चावल को खुले बाजार में बेच दिया और इससे बड़ा मुनाफा कमाया। इस चावल गबन घोटाले से राज्य सरकार को एक अनुमान के मुताबिक करीब 1573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि सुधाकर सिंह ने दावा किया कि ये बीजेपी की सरकार के दौरान आरोप लगे थे। उन्होंने कहा कि उस दौरान सरकार को जो कार्रवाई करनी थी वो कर चुके हैं। बता दें कि अब इसी को लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ भले ही आवाज बुलंद करते हो, लेकिन अब अपने मंत्रिमंडल में घोटाले के आरोपी को जगह दे रहे हैं।